प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास, जो आप सभी की प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, और इससे पहले के यदि आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखिएगा। रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज की क्लास में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किए हैं। समस्त जानकारियों को साझा करते हुए आप पहले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। बताइए, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में सितार को ये लिखा जाता है, बेंजे को ये लिखा जाता है, तो तबला का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, सितार SSI, ठीक है। गौर से अगर देखने जाओगे तो SI, उसके बाद TAR, क्या है? TAR, ये हो गया हमारा सितार, ठीक है। ये हमारा सितार हो गया, और इसके बाद इसको लिखा क्या गया है? तो आप बोलेंगे सर R लिखा है, R के बाद क्या है? H लिखा है, ठीक है। H के बाद क्या लिखा है? S लिखा है। S के बाद क्या लिखा है? Z लिखा है। Z के बाद देखेंगे तो Q लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गौर से आगे देखने चलो, आगे देखने चलो तो लिखा गया है क्या? बेंजो, BANJO, और उसके बाद J और O, ये हो गया हमारा बेंजो। और इसको साथियों क्या लिखा गया है? तो गौर से देख लो, इसको लिखा गया है A, A के बाद क्या लिखा है? Z लिखा है, ठीक है। Z लिखा है, Z के बाद क्या लिखा है? M लिखा है। M के बाद I लिखा है, I के बाद N लिखा है। और इसके बाद एक बात और प्यारे दोस्तों, कोड पूछा गया है किसका? तबला का। तो हम यहाँ पर TAB ये कर देते हैं, TABLA, तबला का कोड यहाँ से बता देंगे। तो साथियों यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो S से पहले क्या आता है? R आता है, I से पहले H आता है, T से पहले S आता है, A से पहले Z आता है। आप बोलेंगे सर वर्णमाला हमने पढ़ी थी, ये क्या बता दिया, A से पहले Z कैसे आता है? देखो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, आपने कभी बचपन में उल्टी वर्णमाला पढ़ी होगी, तो जैसे उल्टी गिनती पढ़ते थे 100 से 99, 99, 98, ऐसे करके एक तक जाते थे, वैसे ही उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि क्या कहते हैं ABCD, ये भी पढ़ाई जाती है, ZYX। तो A से पीछे जो आता है वो Z आता है, ठीक है। उसी प्रकार R से पीछे क्या आता है? Q आता है, ये हमने पढ़ा है। और इसका जो लॉजिक है प्यारे दोस्तों वो -1 का सभी में चल रहा है। क्या चल रहा है? सभी में साथियों -1 का चल रहा है। क्या चल रहा है? आप बोलेंगे सभी में -1, सभी में -1 है, तो हम चलिए -1 का प्रयोग करेंगे। देखो, B से पहले A, A से पहले Z, N से पहले M, J से पहले I, O से पहले N, तो यहाँ पर भी सभी में -1 है। क्या है? सभी में साथियों -1 है, कुछ कर ही नहीं सकते। बस कर क्या सकते हैं? कर इतना सा सकते हैं कि ये जो तबला दे रखा है, इस तबले में सभी में -1 कर दो। टी में एक जाएगा, क्या बचेगा? एस बचेगा, मतलब विकल्प की शुरुआत एस से होगी, तो सभी में देखो एस दे रखा है। ए में एक जाएगा तो प्यारे दोस्तों जेड बचेगा, अभी देखा था। उसके बाद बी में एक जाएगा तो क्या बचेगा भैया? बी में एक जाएगा तो ए बचेगा। एस जेड ए से शुरुआत होगी, देखो एस जेड ए से ये शुरुआत नहीं हो रही है, और एस जेड ए से ये नहीं हो रही है, यानी कि 1 और 3 गलत। इसके बाद एल में से एक घटाओगे, एल में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा भैया? के बचेगा, के। उसके बाद फिर से ए में एक घटाओगे तो फिर से जेड बच जाएगा, तो लास्ट में के जेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? के जेड। तो देखो लास्ट में के जेड और शुरुआत में एस जेड, प्यारे दोस्तों दिया गया है विकल्प नंबर 2 में, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर का उत्तर क्या बनेगा? एस जेड ए के जेड। कैसे बनेगा? सभी का स्थानीय मान जो है उसमें से एक एक घटा लेंगे, उत्तर हमारा एस जेड ए के जेड आ जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न, डायरेक्शन और डिस्टेंस, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है, एक सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है, अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है। मान लीजिए सुबह का समय है, तो सूर्य सबसे पहले तो याद रखो जो हमारा सन होगा, जो हमारा सन होगा वो कहाँ पर होगा? पूर्व में होगा। ये तो सुबह सुबह की बात है, तो हमने कहा निकल पड़ो भैया, सन को निकाल दिया, अभी हम तो जगे नहीं हैं, अभी तो हम आँखें मल रहे हैं, लेकिन सन हमारा निकल चुका है। तो सन सुबह पूर्व की ओर है, रीति पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। तो मैंने कहा लड़की है रीति नाम की, उसको पूर्व की ओर चलवा दो। तो मैंने कहा भैया चलो रीति दीदी चलो आगे, पूर्व की ओर चलती हैं। कह रहा है अपने दोस्त, प्रश्न में कहा अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती हैं, यहाँ पर लिखा है अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती हुई देखती हैं। क्या देखती हैं? कह रहा है कि वह संजू की परछाई को उसकी दाई ओर देखती हैं। संजू की जो परछाई है प्यारे दोस्तों, वह संजू की परछाई को उसकी दाई ओर, उसकी दाई ओर किसकी, मतलब संजू की दाई ओर देखती हैं। संजू की जो परछाई है संजू की दाई ओर देखती है, कौन देखती है भैया? ये जो रीति नाम की लड़की है ये देखती है। तो मुझे ये बताओ, अगर सूर्य सुबह के समय पूर्व में है तो परछाई कहाँ पर होगी? भाई आप बोलेंगे सर निश्चित है, परछाई तो हमेशा पश्चिम में बनती है। अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में है,
और यहाँ से ये जल रही है रीति, और इसने देखा कि संजू नाम का लड़का आ रहा है और उसकी जो परछाई है वो कहाँ पर पड़ रही, उसकी दाई ओर। उसकी दाई ओर का मतलब क्या, संजू की दाई ओर। तो मैंने कहा संजू को भैया ऊपर से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा, रीति का जो फ्रेंड है संजू, इसको अगर हम ऊपर से लाएंगे तो भैया संजू का दाएं दिशा जो बनेगी वो ये बन जाएगी और बाएं दिशा ये बन जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, दाएं दिशा कौन सी बन जाएगी, अगर संजू का मुख ऊपर से दक्षिण की ओर आएगा तो प्यारे दोस्तों सीधा हाथ कहाँ पर होगा, अब अभी देख लो करके अपना मुँह दक्षिण की ओर, और सीधा हाथ देखोगे तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो मैंने कहा पश्चिम में परछाई बन रही है, और दोस्तों संजू किस दिशा से आ रहा है, तो प्रश्न बनेगा उत्तर की दिशा से आ रहा है। कौन सी दिशा से, उत्तर की दिशा से। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों कहा गया है गद्य का संबंध अगर अनुच्छेद से है तो कविता का संबंध किससे हो जाएगा। प्यारे दोस्तों गौर से समझो, गौर से समझेंगे, जो गद्य होता है, जो गद्य होता है, आपने गद्य पद तो पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में हिंदी में, ठीक है। गद्य, गद्य में प्यारे दोस्तों जब गद्य को लिखा जाता है तो प्रयोग होता है किनका, अनुच्छेदों का। किनका प्रयोग होता है, अनुच्छेदों का होता है, याद रखेंगे अनुच्छेदों का प्रयोग होता है, ठीक है। जब हम प्यारे दोस्तों कविता को लिखते हैं, जिस प्रकार गद्य को लिखते हैं तो अनुच्छेद के द्वारा लिखा जाता है या अनुच्छेद में लिखा जाता है। तो जब कविता लिखी जाती है प्यारे दोस्तों छंद में लिखी जाती है, छंद में लिखी जाती है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न में अगली ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर तरफ। 4 नंबर का प्रश्न, कहा गया है प्यारे दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। मतलब एज इट इज सादृश्यता का प्रश्न। कह रहा है सिंह का संबंध अगर सिंह शावक से है तो क्वेश्चन मार्क का संबंध इटली से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, सिंह का संबंध किससे है भैया, सिंह शावक से। अब यहाँ पर शावक का जो मतलब होता है, शावक का मतलब होता है बच्चा, और सिंह शावक का मतलब क्या हो जाएगा भैया, शावक यानी कि शेर का बच्चा, सिंह शावक शेर का बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड आएगा जिसका संबंध किससे होगा, इटली से होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोई मिस टाइपिंग नहीं है, इटली नहीं है, इटली ही है। इटली को ही प्यारे दोस्तों हम कहते हैं इल्ली, क्या कहते हैं इल्ली। अगर आप लोगों ने बचपन में कभी कहानी पढ़ी होगी, एक प्राइमरी स्कूल में कविता आती थी हमारे ज़माने में, इल्ली बाजार जाती थी, ऐसे करके कोई एक कविता होती थी। इल्ली का मतलब क्या है यहाँ पर समझो प्यारे दोस्तों, इल्ली का मतलब है जब तितली जब बनती है उससे पहले जो तितली का बचपन रहता है वो कहलाता है इतली या फिर इल्ली, ठीक है, याद रखेंगे इल्ली या फिर इतली। तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा तितली, क्या कहेगा तितली। जिस प्रकार शेर का बच्चा कह सकते हैं सिंह शावक होता है, उसी प्रकार तितली का जो बच्चा होता है वो इतली होता है या फिर इल्ली होता है। इल्ली जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, उसको कुछ और कहते हैं, ठीक है यार, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं इतली क्या है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब पर, सॉरी उस पर क्या बोलते हैं गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। उत्तर बनेगा तितली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितली का बचपन कहलाता है इतली, और जिस प्रकार सिंह का बचपन सिंह शावक। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुने। दोस्तों बताइए 4 में से एक अलग है जबकि 3 एक जैसे हैं, तो लखनऊ, पंजाब, मुंबई और पटना। तो आप देखते ही बता सकते हो उत्तर इसका सर क्या हो जाएगा, पंजाब। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पंजाब प्यारे दोस्तों एक स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है राज्य है, ये पंजाब क्या है एक राज्य है। अन्य 3 ऑप्शन जो दे रखे वो राजधानी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, महाराष्ट्र की मुंबई, पटना हो जाएगी आपकी बिहार की, ठीक है, जबकि पंजाब राज्य है। अगले प्रश्न में आ जाइए, अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। इस प्रश्न में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। गौर से आपको देखना होगा, डी उसके बाद एफ और सी, यहाँ पर कुछ लेटर दे रखे हैं डी एफ और सी, ठीक है। डी एफ और सी का जो संबंध बताया है प्यारे दोस्तों वो डब्लू, एक मिनट, किससे बताया है, आप बोलेंगे डब्लू से, उसके बाद एच से, और उसके बाद किससे, एक्स से। और हमसे संबंध पूछा गया है मेरे साथियों किसका, हमसे संबंध पूछा गया है के एफ और क्यू का, किसका, के ऑफ एफ और क्यू का। तो गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, आप इस प्रश्न को गौर से देख लो, क्या देखना है भैया, डी डब्ल्यू अपोजिट दे रखा है, सी एक्स अपोजिट दे रखा है, अपोजिट मतलब विपरीत दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, विपरीत दे रखा है,
कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। विपरीत का मतलब ही अपोजिट होता है। अब विपरीत का नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों? जो नियम होता है, जब दो अक्षरों के स्थानीय मान का योग 27 हो जाता है उसे विपरीत कहते हैं। जैसे डी 4 पर होता है और डब्ल्यू हमारा 23 पर, तो 4 और 23 27 होता है। और सी 3 पर होता है और एक्स 24 पर, 24 3 27 होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक प्यारा सा है, F तो 6 पर होता है सर और H होता है 8 पर, तो बीच में प्लस 2 हुआ है। कहने का मतलब गौर से समझ लो एक बार अच्छे से, आसपास की जो लेटर दे रखे हैं ये हैं आपके विपरीत क्रम में, जबकि बीच वाले लेटर का क्या हो रहा है भैया? प्लस 2 हो रहा है, बस इतना सा याद रखो। तो मैंने कहा बीच वाले का अगर प्लस 2 हो रहा है तो F में प्लस 2 करोगे तो H, मिडल में H आना चाहिए। देखो भाई मिडल में H विकल्प नंबर 3 में नहीं है, काट दो। इसके बाद क्या है भैया? अपोजिट देख लो। अपोजिट मतलब के का क्या बताया था भैया? के 11 पर है, के पी कमला पसंद पी हो जाता है, ठीक है। क्यू का जैकलीन, ओहो जैकलीन से मिलवाया था, जैकलीन से शादी करवाई थी, जे क्यू। जे 17 पर होता है और जे 10 पर होता है, सॉरी क्यू 17 पर जे 10 पर, तो उत्तर बनेगा पी एच जे। क्या बनेगा? पी एच जे। पी एच जे देखेंगे तो एक नंबर विकल्प में है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों एक सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीरीज यहां पर दे रखी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो गौर से प्रश्न को समझना होगा, इसको शानदार तरीके से जानेंगे। लिखा गया है 1, 27, 125, 343, 729। तो अगर आप गौर से इसको देखें तो 27 क्या है? एक क्यूब है। 125 भी एक क्यूब है, उसके अलावा 343 भी एक क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है? घन। घन घन मतलब पाव, किसी संख्या की पावर 3 है। गौर से देखो, मैं अगर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 25 लिख देता हूँ और यहाँ पर 27 लिखना यार, ठीक है 27 लिख देता हूँ और उसके बाद 125 125, उसके बाद 343 343, और यहाँ पर 729 729, और ज्ञात करना है क्या आएगा। तो गौर से देखो साथियों, गौर से देखो यहाँ पर जो दे रखा है ये प्यारे दोस्तों पावर 1 की 3 है। क्या है? 1 की पावर 3। अब भैया 1 का 3 कितनी बार भी गुणा कर लो आपस में, 1 गुणा 1 गुणा 1 हजारों बार कर लो तब भी 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो ये रखा है 3 और ये है 3 की पावर 3, ठीक है। उसी प्रकार ये लिखा गया है दोस्तों 5 और यहाँ पर लिखा गया है 5 की पावर 3, ठीक है। और ये आपका लिखा है 7 और यहाँ पर हो जाएगी 7 की पावर 3, और ये क्या लिखा है भैया? 9 लिखा है और ये है 9 की पावर 3। तो अगर आप प्यारे दोस्तों गौर से देखें, तो यहाँ पर चल रहा है विषम संख्याओं का पेयर, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो भैया 9 के बाद विषम क्या आता है? आप बोलेंगे सर 11 आता है, और 11 की पावर 3 कितना होता है? 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार कर लो। और दोस्तों जब 3 बार करोगे तो उत्तर आएगा 13 31। क्या आएगा साथियों? 13 31 आएगा। इस बात को आप सभी दिल में बसा लेंगे, ठीक है, दिलो दिमाग में जान से लगा दो। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 1331 सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और निष्कर्ष, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहा गया है सभी चाकू औजार हैं, तो जितने भी मेरे पास चाकू हैं मैं सारे के सारे चाकू को क्या बना दूंगा? सारे के सारे चाकू को औजार बना दूंगा, ठीक है। क्या बना दूंगा भैया? बाबा बना दूंगा, चाकू को औजार बना दूंगा। बाबा का ही बना दूंगा भैया, औजार बना दूंगा। मिश क्या कह सकते हैं? ओहो औजार, औजार, ठीक है। इस तरह से सभी चाकू को मैंने औजार बना दिया, ठीक है। इसके बाद बोला है कुछ कटर चाकू हैं, तो कुछ कटर मान लेते हैं इतना इतना सा पार्ट जो कटर का है वो क्या है? चाकू है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाए, एक मिनट, कुछ कटर चाकू हैं, तो मैंने कहा कुछ कटर का पार्ट क्या हो जाएगा? चाकू हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष को देखो, कुछ कटर इतना इतना सा चाकू या कटर बन गया हमारा? आप बोलेंगे हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब देखो, कह रहा है कि निष्कर्ष नंबर 1 कुछ कटर औजार हैं, मुझे बताओ क्या कुछ कटर औजार दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, इतना इतना सा जो पार्ट है कटर औजार का संबंध बना रहा है, पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब देखो आगे कह रहा है सभी चाकू कटर हैं। क्या प्यारे दोस्तों? सभी चाकू कटर हैं। आप कहेंगे भैया कटर के लिए ग्रीन सर्कल है और चाकू के लिए ये पर्पल वाला सर्कल है, तो भैया ये पूरा तो कटर के अंतर्गत आ नहीं रहा है। हो सकता है भाई आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन कथन में बोला था कुछ कटर चाकू हैं, या तो कह रहा है सभी कटर चाकू हैं, तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब कह रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है,
कुछ चाकू क्या है, औजार नहीं है। तो कैसे कह सकते हो भैया सभी के सभी चाकू क्या है, औजार हैं। कथन में बोल दिया, कथन में बोल दिया सभी चाकू औजार हैं। और निष्कर्ष में कहलवाना चाह रहा है आपसे, कह रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है, मतलब झूठ पकड़वा रहा आपका। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। और जब ये भी गलत है तो आप बोलेंगे सर केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है जो कि विकल्प नंबर 4 में है। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 4 केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है जो हमारा उत्तर बनेगा 4 नंबर का। अगले प्रश्न में आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ेंगे इसको शानदार तरीके से। कहा गया है निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता और गायकों को दर्शाती हैं। एक चित्र में क्या है, भारतीय हैं, तो ये भारतीय के लिए, दूसरा नेता के लिए और तीसरा गायक के लिए। तो भारतीय नेता और गायक को दर्शाती हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय हो नेता हो, जो भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो। एक ऐसा क्षेत्र जो गायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब गायक के लिए ये जो सर्कल आ रहा है इस सर्कल के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे नंबर काटने पड़ेंगे। गायक होना ही नहीं चाहिए, 3 नहीं होगा, ठीक है, ये जो हमारा 3 दिखाई दे रहा नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। उसने कहा है भारती भी हो, भारती भी हो मतलब ये सर्कल में और ये नेता में, दोनों में आना चाहिए। तो भैया कौन सा नंबर है, आप बोलेंगे सर 2 नंबर। 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो गायक में तो आता ही नहीं है जबकि नेता और भारतीय दोनों में आता है, तो विकल्प नंबर बी को लगा दो। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर बी में दिया गया है कि 2 नंबर का जो निष्कर्ष है, जो सॉरी 2 नंबर का जो उत्तर है वो हमारा सही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अरेंज में व्यवस्थित करना है यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपके सामने 4 शब्द हैं, 4 शब्दों को पढ़ो, मकान, महल, बंगला, झोपड़ी, क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्यारे दोस्तों गौर से देख लो, अगर हम इसको छोटे से बड़े की ओर चलें, इस प्रश्न में अगर हम छोटे से बड़े की ओर चलें तो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है उसके पास क्या होती है भैया, झोपड़ी होती है, ठीक है, कह सकते हैं कोई व्यक्ति है उसके पास सबसे छोटा जो घर होता है वो झोपड़ी होती है। भाई झोपड़ी के बाद वो जो बनाता है, देखो 4 नंबर से शुरुआत होगी, याद रखेंगे क्योंकि झोपड़ी 4 नंबर में दे रखी है, तो झोपड़ी आपकी सबसे पहले आएगी, मतलब विकल्प नंबर 4 से शुरुआत होगी। तो भैया काहे दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग ही ना लगाओ, देखो उत्तर विकल्प नंबर डी में, केवल एकमात्र ऐसा विकल्प है जो 4 से शुरुआत कर रहा है, बाद बाकी तो सारे के सारे खल्लास हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई झोपड़ी बन गई तो भाई अगली बार में व्यक्ति क्या बनाएगा, मकान, मतलब एक नंबर आना चाहिए, तो देखो मकान भी आएगा, मकान आएगा तो 4 के बाद एक भी दे रखा है। उसके बाद मकान के बाद भैया वो बना लेता है बंगला, क्या बना लेता है, बंगला बना लेता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा भैया, बंगला बन जाएगा, एक बंगला है कोई व्यक्ति के पास। उसके बाद उस बंगले को बड़ा विस्तार करके क्या बना देता है भैया, महल बना देता है, महल बना देता है, तो 2 नंबर लास्ट में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, महल बना देता है तो 2 नंबर लास्ट में आना चाहिए, याद रखेंगे। इस तरह से हमारा आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े का, ठीक है, आरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित किया है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, गुणा को भाग प्रस्तुत करता है और भाग को माइनस प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित का उत्तर दें। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, उत्तर तो बताना ही पड़ेगा। 8 भाग किसे प्रदर्शित कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ, भाग किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों माइनस को। उसके बाद 4 है, गुणा किसे प्रदर्शित कर रहा है, आप बोलेंगे सर भाग को, क्योंकि देखो भाग माइनस को और गुणा भाग को प्रस्तुत कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस किसे प्रस्तुत कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर प्लस को प्रस्तुत कर रहा है, और उसके बाद जो प्लस है वो किसको कर रहा है, गुणा को प्रस्तुत कर रहा है, प्लस किसको, गुणा को प्रस्तुत कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लगेगा, अब लगेगा प्यारे दोस्तों बोर्डमास, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 7-8 से, ठीक है, बोर्डमास, बोर्डमास में क्या, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, तो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं यहाँ पर, फिर डिवाइड है, डिवाइड से लगाओ, 2 × 2 = 4, तो 8 माइनस का 2, ठीक है, प्लस का यहाँ पर अब डिवाइड तो हो गया तो मल्टीप्लाई नोतिया 27, ठीक है, 27 × 8 कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा, एक मिनट कितना हो जाएगा, 35, 35 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 33 बचेगा, 3 × 3 = 33 बचेगा, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी में दिया है, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों गौर से देखो, कह रहा है कि तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, किसने कहा, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा,
तो किसने कहा है भैया सात्विक ने कहा, तो मैं सात्विक को यहां पर रखता हूं, ये रहा सात्विक। सात्विक ने क्या कहा, जो तिलक है वह मेरी बहन, मेरी बहन मतलब सात्विक की एक बहन होगी, सात्विक की एक बहन होगी, सात्विक एक लड़का है याद रखेंगे और ये एक महिला है, ठीक है, सात्विक की बहन, कह रहा वह मेरी बहन के एकमात्र भाई। अब इस बहन का एकमात्र भाई कौन, भैया सात्विक बचा। सात्विक कह रहा है कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, एकमात्र भाई का पोता है, एकमात्र भाई का पोता कैसे बनेगा जब सात्विक का एक यहाँ पर लड़का आए, सात्विक का एक लड़का आए और इस लड़के का भी लड़का हो, इस लड़के का भी लड़का हो, वही तो पोता बनेगा, मुझे बताओ। उसने कहा, सात्विक ने क्या बोला है, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा मेरी बहन का एकमात्र भाई कौन बचेगा, भैया सात्विक ही तो होगा, और उसके बाद का एक पोता है, क्या कह रहा है, एक मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, तो एकमात्र भाई सात्विक और सात्विक का ही पोता है कौन है भैया, तिलक नाम का लड़का, कौन नाम का लड़का, T4 तिलक नाम का लड़का, तो मैं यहां पर इसको तिलक लिख देता हूं, ठीक है तिलक लिख देता हूं। तो अब कह रहा है कि सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, से लगा है भैया तिलक के साथ, तो तिलक क्या बोलेगा, तिलक बोलेगा पिताजी और पिताजी के पिताजी अर्थात दादाजी, क्या बनेगा दादाजी, तो याद रखेंगे एक मिनट, क्या बना दादाजी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर आएगा प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया है इस प्रश्न में, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्दों में सही आरेख ज्ञात करो, बताओ ये संबंधित आपको शब्द दे रखे हैं तीन, इनके बीच का सही बहन आरेख क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले गौर से समझो, महिलाएं बहन और अभियंता, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या महिलाएं बहन होती हैं, आप बोलेंगे हाँ, क्या बहन महिलाएं होती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों एक आरेख आएगा सबसे पहले सिस्टर के लिए, ठीक है सिस्टर के लिए, और सिस्टर सारी की सारी किस में आती हैं, लेडीज में आती हैं, तो लेडीज के लिए एक आ जाएगा। और मुझे ये बताओ क्या लेडीज और सिस्टर का अभियंता होती हैं, बताओ, आप बोलेंगे हाँ सर कई सिस्टर कई लेडीज ऐसी होती है जो अभियंता होती हैं, तो यहाँ पर हमारा इंजीनियर के लिए आ जाएगा, इंजीनियर का मतलब ही अभियंता होता है, ठीक है। तो इस तरह का आरेख होगा, एक सबसे वाला अंदर वाला सिस्टर के लिए, फिर लेडीज के लिए और बाहर से एक अभियंता के लिए, तो इस तरह का क्रॉस पैटर्न जो मिलेगा वो विकल्प नंबर डी में, कौन से विकल्प नंबर डी में, यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, इस बात को आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ठीक है क्या बनेगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्यारा सा प्रश्न, इसको देखिए, कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों के बीच में सही वेन आरेख ज्ञात करो, कक्षा है, अध्यापक है और विद्यार्थी है, तो इसका तो आसान होता है, क्या बोल सकते हैं आप लोग, आप बोलेंगे सर एक बनाओ सबसे पहले कक्षा, क्या बनाएंगे हम कक्षा बनाएंगे, और कक्षा के अंतर्गत ही मेरे प्यारे साथियों स्टूडेंट आता है, कौन आता है स्टूडेंट, और कक्षा के अंतर्गत ही हमारा टीचर आता है, ठीक है इस तरह का आरेख बनेगा और आरेख बनाना आसान है, ठीक है इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो सबसे पहले कक्षा बना देंगे, कक्षा में टीचर भी बैठता है और विद्यार्थी भी बैठता है, टीचर का काम है अध्यापन कराना जबकि जो आपका विद्यार्थी है उसका कार्य क्या है अध्यापन करना, ठीक है इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए, अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर 15, और बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो, लुप्त संख्या कहाँ पर है ये वाली, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए एक बहुत शानदार प्रश्न हो सकता है ये, ठीक है याद रखेंगे, तो इसको मैं बनाने का अलग से प्रयास करूंगा। 17 के बाद दे रखा है 51, 51 के बाद में दे रखा है 58, 58 के बाद में दे रखा है 116, 116 के बाद में दे रखा है 123, और फिर से प्यारे साथियों 123, और ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो गौर से देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा का 3, ठीक है याद रखेंगे क्या हो रहा है गुणा का 3 हो रहा है, 17 + 51, 51 में फिर आपका कुछ जुड़ेगा तो वो होगा 51 + 7 = 58, ठीक है याद रखेंगे 51 + 7 = 58, और अगली बार में क्या हो रहा है भाई, अगली बार में 58 × 116, 58 × 116 और 116 प्लस में हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एक नंबर जो कि होगा आपका 7, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई पहली बार में 3 और प्लस में 7, और दूसरी बार में मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 7, तो अगली बार में क्या होगा भैया, अगली बार में होगा मल्टीप्लाई 1, क्या होगा मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 7, क्या होगा प्लस में 7, इस बात को याद रखेंगे, ये पेयर बनेंगे 3 आप सभी के सामने। तो दोस्तों उत्तर क्या आएगा, जब 123 में ये प्लस का 7 जुड़ेगा ये वाला, तो उत्तर बन जाएगा 130, क्या बन जाएगा साथियों याद रखेंगे 130 आपका उत्तर बन जाएगा, 123 और 7 130, 130 कहाँ पर है विकल्प नंबर 3 में है।
और ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। लॉजिक क्या था, पहली बार में गुणा 3, दूसरी बार में प्लस 7, तीसरी बार में गुणा 2 और आपका प्लस 7, फिर चौथी बार में, पांचवीं बार में क्या होगा गुणा, देखो गौर से देख लो, अल्टरनेट अल्टरनेट अगर गुणा देख लेंगे और अल्टरनेट अल्टरनेट क्या देख लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से ये देख लेंगे प्लस का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कैसे भी कर लो, या तो दो दो के पेयर बना के देख लो, उत्तर आपका जो आएगा वो विकल्प नंबर 3 आएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, जो क्वेश्चन मार्क होगा स्थान क्या लेगा आप बोलेंगे 130। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि क्लास प्यारे दोस्तों पसंद आई है